जहां एक और ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम ए बी पुलिस की छवि को सुधारने में लगे हुए हैं, वहीं थाना जाखलोन में रेप पीड़िता की नहीं लिखी गई रिपोर्ट। कैसे मिलेगा गरीब शहरिया जाति के लोगों को इंसाफ? थाना जाखलोन अंतर्गत गड़ौली में लड़की के साथ हुआ अत्याचार। 2 महीने पहले गाँव की ही लड़की ने किया था जबरन रेप। घर वालों से शिकायत करने पर गाँव के ही लड़कों द्वारा किया गया था अपहरण। 1 हफ्ते तक नहीं लिखी गई शिकायत, पुलिस बैठी रही मौन। लड़की को गलत ठहराकर भगाया था थाने से। जब मामला बढ़ता गया तो पुलिस आई हरकत में। पुलिस की नाकामी से शहरिया समाज की लड़की को झेलनी पड़ी यातनाएं। गांव के 2 बदमाशों अनेक और विशाल द्वारा दबंगई के चलते लड़की के साथ किया गलत काम। जब घर वालों की बार बार शिकायत करने पर पुलिस आई हरकत में और बच्ची को बरामद कर सौंपा घर वालों को। 2 महीने बीतने के बाद भी दबंगों पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। अभी तक दबंग हैं बेखौफ, पुलिस देख रही तमाशा। पुलिस के इस तरह के व्यवहार से जनपद में बढ़ते जा रहे हैं क्राइम। योगी सरकार में बलात्कारियों पर नहीं पुलिस का कोई खौफ, क्या बच्ची को मिलेगा न्याय? क्या हुआ आपके साथ, क्या बात है? तब जो हुआ कि उन दोनों ने मिल के हमें भगा ले गए। उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती करी। किसने की, कौन भगा ले गया? अनेक विशाल ये हमें भगा ले गए। ये लुआ ले गए अपने बिटिया दमा दी कहते हैं कटा खीर एम पी में। ये होते हमारे संगे जबरदस्ती करते रहे। हमने हाथ जोड़े, पाँव पड़े, उनके पैरन पे गिरे। अकेले बेनी मानी साहब उनने और उसकी माँ करके उनने 3 महीना के बाद उनने हमारे संगे ऐसा गलत काम करी। और फिर उसकी माँ 3 महीना के बाद हमें तय कर गई थाने में। थाने में कई कहीं मोड़ी मोड़ी से ना हम सवाल पूछे ना मेरी माँ से पूछे। उनने और अंगूठा लगवा लाए और कहा कि तुमने कह दे कि लू जा तो ना। उनने हमसे बयान पूछे ना कुछ नहीं बताई। और इनने हमारे संग गलत काम करी। किस किस ने गलत किए, कौन थे वो लोग? करी और विशाल ने करी। इनने हमारे साथ गलत काम करी। कहाँ की निवासी हो आप? ये इतने तक कौन से गांव की हो आप? कॉलोनी रामपुरा की। रामपुरा कॉलोनी की। और वो कहाँ के हैं अनिक? वे भी हैं कॉलोनी की, कॉलोनी रामपुरा की। पिताजी का क्या नाम है अनिक के? अनिक के मोगला। क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? मैं बच्ची के साथ गलत काम किया, उसकी सुनावनी नन्या गर्भ से है। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करी से सुनावनी नहीं कछु करी। जाखलोन में वो भगा दिया, दस्तखत करा दिया। किसने भगा दिया? कला सबारा ने, दरोगा जी ने। और कछु सुनावनी नहीं करी। जाओ कहीं बच्ची को ले जाओ, कल जाओ और दस्तखत कर जाओ। माँ मारा पिट्टी के भूत की माँ है लड़का की, बाकी इतनी मोड़ीसा के हम मारे हैं। तूने क्या दी था? क्या हुआ, क्या है आपकी समस्या? हमारी जो बहन है उनके साथ बलात्कार हुआ। मान लो जो गांव की लड़की विशाल और अनेक भगा ले गए थे, 3 महीना गायब कर रहे इनके लिए। मान लो इनके साथ गलत काम करते रहे, फिर जब एप्लीकेशन दिया फिर वे थाने छोड़ गए। फिर हमारी बच्ची मान लो थाने आ गई, इन्हें दरोगा जी ने सौंप दी, दस्तखत करा लाए। तो गर्भ से हैं वो, कोई उन्हें लिखा पड़ी नहीं थी। रेप का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला सर, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? थाना जाखलोन अंतर्गत एक महिला ने एक तहरीर थाना जाखलोन पे दी है कि उसकी बच्ची के साथ उन्हीं के गांव के 2 लड़कों ने 3 माह पहले बिलापुसला के ले गए थे और दुष्कर्म किया था, जिससे उनकी बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तहरीर के आधार पर तत्काल एफ आई आर दर्ज कर दी गई है। जो दोषी हैं उनके लिए टीम गठित कर दी गई है और बहुत शीघ्र गिरफ्तारी करके कठोर वैधानिक कार्रवाई।